everybody, welcome to our channel Docket Babies. I'm Sunira Ghosh. So parents, aajkal India mein khaas karke conjunctivitis bahut zyada phaila hua hai. Basically conjunctivitis ek eye infection hota hai jo ki badon ko, bachchon ko, sabko affect kar raha hai, khaas karke India mein. To kyunki इनाया मेरी डॉटर वो भी स्कूल जाती है, तो जब बच्चे बाहर जाते हैं, दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फेक्शंस घर लेके आए. तो बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई इन्फेक्शन चल रहा है तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, उसका क्या ट्रीटमेंट है, क्या सिम्टम्स है और किस तरह से आप टेक केयर कर सकते हो अपने बच्चों की अगर आपके बच्चे को इन्फेक्शन हो जाता है. ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करना बहुत ज़रूरी है. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं. मैंने कोशिश करके हर चीज कवर की है कंजक्टिवाइटिस के बारे में. जैसे कि सबसे पहले बहुत ही ब्रीफली मैं आपको बताऊंगी कि कंजक्टिवाइटिस होता क्या है. तो फर्स्ट चीज जो हम कवर करेंगे वो है व्हाट इज कंजक्टिवाइटिस. सेकेंड चीज जो हम कवर करेंगे वो है सिम्टम्स, कि किस तरह से आप बच्चे को देख के, बच्चे की आंखों को देख के ये पहचान सकते हैं कि उसको कंजक्टिवाइटिस हुआ है. तो सिम्टम्स ऑफ कंजक्टिवाइटिस. जो तीसरी चीज हम आपको बताएंगे वो है हाउ लॉन्ग डज इट लास्ट, इसका मतलब कितने देर तक कंजक्टिवाइटिस जो है वो चलता है या फिर इन्फेक्शन कितने दिन तक आपके बच्चे में रह सकता है और ये किस तरह से स्प्रेड होता है. नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कंजक्टिवाइटिस का क्या ट्रीटमेंट है जो बच्चों को दिया जाता है और फाइनली कुछ फूड्स, क्योंकि कुछ फूड्स जो है वो इस टाइम पे आईज के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं और नॉर्मली भी आईज के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं. तो कौन से फूड्स हमें इस टाइम पे खाने चाहिए और खास करके वो फूड आइटम्स जो हमें इस टाइम पे, यानी कि अगर आप कंजक्टिवाइटिस से गुजर रहे हैं तो आपको कौन से फूड आइटम्स अवॉइड करने चाहिए. तो फूड्स टू ईट एंड फूड्स टू अवॉइड. सबसे पहली चीज, ये कंजक्टिवाइटिस होता क्या है. सबसे पहले हम जानते हैं कि कंजक्टिवाइटिस, जिसको हम पिंक आई भी कहते हैं, वो एक्चुअली में होता क्या है. तो कंजक्टिवाइटिस जो बीमारी का नाम है ना, वो कंजक्टिवा से बना है और जो कंजक्टिवा है वो बेसिकली आपके जो आईलिड्स का जो इनर पार्ट है ना, जो कि व्हाइट वाले आपके आई के एरिया को कवर करता है, उसको कहते हैं. तो उसमें रेडनेस, उसमें स्वेलिंग, उसमें पेन, उसमें डिस्चार्ज का आना, मे बी वॉटरी या फिर थिक डिस्चार्ज या फिर म्यूकस डिस्चार्ज का आना, इसको हम कहते हैं कंजक्टिवाइटिस. कंजक्टिवाइटिस जो होते हैं वो बेसिकली तीन टाइप के होते हैं. अब नॉर्मली हम देखते हैं तो ऑब्वियसली हमें नहीं पता चलता कि किस टाइप का कंजक्टिवाइटिस है, बट अगर मेडिकल टर्म्स में बात करें तो कंजक्टिवाइटिस जो है वो तीन तरह के होते हैं. एक होता है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, एक होता है इन्फेक्शियस कंजक्टिवाइटिस और एक होता है केमिकल कंजक्टिवाइटिस. तो ये जो तीन टाइप के मैंने आपको कंजक्टिवाइटिस बताए उसको थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करूंगी. जो आपका एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है वो नॉर्मली उन लोगों को होता है जो कि सीजनल चेंज या किसी एक पर्टिकुलर चीज से एलर्जिक रिएक्शन उनको हो जाता है. तो वो एलर्जिक रिएक्शन कई बार आईज में ट्रांसफर होके कंजक्टिवाइटिस हो जाता है. एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस जो होता है वो एक से दूसरे को स्प्रेड नहीं होता है. तो ये था लिटिल बिट ऑफ एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस. अब आते हैं केमिकल कंजक्टिवाइटिस के बारे में. तो केमिकल कंजक्टिवाइटिस जो है वो बेसिकली कंजक्टिवा जो मैंने आपको बताया हमारे आईज के अंदर वाले, ये आईलैशेस के अंदर वाले स्किन को बोलते हैं, उसको इरिटेट करता है कुछ केमिकल की वजह से. जैसे इट कैन बी अ केमिकल इन स्विमिंग पूल, या फिर एयर पोल्यूशन में कोई ऐसा केमिकल हो सकता है जो कि आपके बच्चे के आईज को या आपके आईज को इरिटेट किया है और उसकी वजह से आपको कंजक्टिवाइटिस हो गया. और जो थर्ड चीज जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो है इन्फेक्शियस कंजक्टिवाइटिस, जो कि वायरल या बैक्टीरियल में हम डिवाइड कर सकते हैं. ये बहुत सारे रीजन से इन्फेक्शियस कंजक्टिवाइटिस हो सकता है आपको, जैसे कि एक तो बैड हाइजीन मेंटेन करने से हो सकता है, या फिर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आए हो, कोई कंटामिनेटेड आई मेकअप आपने यूज किया है. इन बहुत सारे रीजंस की वजह से ये कंजक्टिवाइटिस हो जाता है. तो ये था ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कि कंजक्टिवाइटिस होता क्या है. नेक्स्ट आते हैं इसके सिम्टम्स पे. तो इसके सिम्टम्स देख के आपको पहचाना बहुत जरूरी है, लेकिन जो मैं सिम्टम्स बताने वाली हूँ, जरूरी नहीं है कि जिसको भी कंजक्टिवाइटिस हुआ है उसको ये सारे सिम्टम्स हो. इनमें से कुछ हो सकता है या फिर सारे सिम्टम्स भी हो सकते हैं. तो वन ऑफ द बेसिक सिम्टम्स जो कंजक्टिवाइटिस में आपको दिखता है वो है इन्फ्लेमेशन, यानी कि आपके आई वाला जो भी आई अफेक्टेड है कंजक्टिवाइटिस से, उसमें स्वेलिंग होगी.
और दूसरी चीज उसमें रेडनेस होगी। ये सबसे बेसिक सिम्टम है जो आपको सबसे पहले ही दिखने को मिल जाएगा। इसके अलावा वॉटरी डिस्चार्ज या फिर थिक डिस्चार्ज का आना भी नॉर्मल है। तो कुछ केसेस में सिर्फ वॉटरी डिस्चार्ज होता है और कुछ केसेस में आपका म्यूकस डिस्चार्ज भी होता है कंजेक्टिवाइटिस के केस में। इसके अलावा कुछ केसेस में कंजेक्टिवाइटिस में पेन नहीं होता है, लेकिन कुछ केसेस में कंजेक्टिवाइटिस में आईज में पेन भी होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वन ऑफ द मोर सिम्टम्स इज इचिंग, यानी कि खुजली का होना। तो आईज जो है वो इचिंग बहुत इरिटेटेड फील करती है, तो बार बार इचिंग करने का मन करता है, खुजलाने का मन करता है। तो ये सारे जो थे, ये थे सिम्टम्स ऑफ कंजेक्टिवाइटिस। नेक्स्ट हम आते हैं कि हाउ लॉन्ग डज इट लास्ट, यानी कि कितने टाइम तक ये चलता है। तो नॉर्मल जो कंजेक्टिवाइटिस है वो 7 या 14 डेज में फिनिश हो जाता है। तो नॉर्मली आप देखोगे कि 7वें दिन के आते आते, यानी कि 7th डे के आते आते, आपको आपके आईज का इन्फेक्शन ऑलमोस्ट गायब दिखेगा। बट अगर फुल्ली फिनिश करने का वेट करोगे तो हो सकता है थोड़े बहुत सिम्टम दिखे एंड 14 डेज तक फाइनल पूरा खत्म हो जाता है। कुछ केसेस में जब इन्फेक्शन जो है वो थोड़ा हाई रेंज में हुआ होता है आपको, तो उस केस में कभी कभी 2 से 3 वीक्स तक भी लग जाते हैं कंजेक्टिवाइटिस को ठीक होने में। नेक्स्ट चीज जो हमारे दिमाग में आएगी कि ये स्प्रेड कैसे होता है, क्योंकि नॉर्मली आजकल क्या हो रहा है कि क्योंकि कंजेक्टिवाइटिस इतना ज्यादा हो रखा है, तो हो सकता है कि आपके घर में किसी को ऑलरेडी कंजेक्टिवाइटिस हो गया है। अब एज अ फैमिली हमें ये कोशिश करना है कि उस पर्सन को हम ठीक करें जल्दी से जल्दी, प्लस वो पर्सन जो है वो किसी और फैमिली मेंबर को ये कंजेक्टिवाइटिस स्प्रेड ना कर दे। तो बहुत जरूरी है ये जानना कि ये स्प्रेड कैसे होता है, ताकि आप उसको प्रिवेंट कर सको स्प्रेड होने से। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बचपन में ये एक बहुत बड़ा मिथ था कि उस इंसान को देख लेने से जिसको कंजेक्टिवाइटिस हो गया है, उसके आईज में देखने से आपको भी कंजेक्टिवाइटिस हो जाएगा। मैं स्कूल में थी तो मुझे भी ऐसा लगता था, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बेसिकली अगर किसी को भी कंजेक्टिवाइटिस हुआ है, अगर वो अपने आईज को टच करता है, तो बेसिकली वो वायरस या बैक्टीरिया उसके हैंड में ट्रांसफर हो गया है। अब उसी हैंड से अगर वो किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करता है, तो वो वायरस या बैक्टीरिया जो है वो उस ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर हो गया है। अब कोई भी इंसान अगर उस ऑब्जेक्ट को छुएगा और उसके बाद अपने आईज को छुएगा, तो इस तरह से ये जो वायरस है ये दूसरे जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके आईज से आपके आईज तक ट्रांसफर हो जाता है। तो ये इतना मुश्किल भी नहीं है प्रिवेंट करना, अगर आप रेगुलर हाइजीन मेंटेन कर रहे हो और उस इन्फेक्टेड पर्सन जो है उसको वो मिनिमल टच करे अपने आईज को, और अगर टच करे तो उसके बाद जरूर हैंड वॉश करे। आप लोग बार बार हैंड वॉश करो तो स्प्रेड होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। प्लस इस टाइम पे कोई भी आई मेकअप अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आई मेकअप्स जो होते हैं वो कंजेक्टिवाइटिस कर सकते हैं अगर वो कंटामिनेटेड हो, या फिर उस इन्फेक्टेड पर्सन ने इन्फेक्शन स्टार्ट जब हमें दिखने लगा था उससे पहले वो यूज किया था, तो मे बी इन्फेक्शन था बट अभी उसके सिम्टम्स नजर नहीं आ रहे थे। तो अगर आप उसको यूज करोगे तो भी आपको कंजेक्टिवाइटिस हो सकता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे कि कंजेक्टिवाइटिस जो है वो स्प्रेड होता है। ट्रीटमेंट के ऊपर, कंजेक्टिवाइटिस का ट्रीटमेंट क्या होता है। सबसे पहली चीज, डॉक्टर का प्रिस्क्राइब किया हुआ एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स आपको लेना पड़ेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक्चुअली डॉक्टर के साथ एडवाइस करें, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हमें वायरल कंजेक्टिवाइटिस है या बैक्टीरियल कंजेक्टिवाइटिस है। डिपेंडिंग ऑन दैट आपका मेडिकेशन भी चेंज हो जाता है। सो सबसे पहली राय कि डॉक्टर के साथ जरूर कंसल्ट करें, और कंसल्टेशन के बाद ही आप कोई भी आई ड्रॉप लेना शुरू करिए। ये था पहला चीज। दूसरी चीज जो आप ट्रीटमेंट के लिए या फिर आराम लेने के लिए कर सकते हैं वो है वार्म या कोल्ड वाटर कंप्रेस। तो बेसिकली दोनों ही चीजों से आपको आराम मिलता है। तो या तो थोड़ा सा वार्म वाटर ले लीजिए या फिर कोल्ड वाटर ले लीजिए। एक सिंपल लिनन क्लोथ लीजिए जिसमें लिंट नहीं होना चाहिए, बेसिकली कोई भी इरिटेटिंग फैक्टर नहीं होना चाहिए। उसको डिप करिए, एक हैंकी एक सिंपल एग्जाम्पल है जो कि आप यूज कर सकते हो। उसको डिप करिए उस वाटर में, स्क्वीज करिए और कंप्रेस, यानी कि हल्का हल्का दबा के अपने इन्फेक्टेड आई पे प्रेस करते रहिए। ये आप दिन में 3 से 4 बार करिए और आपके आईज को जरूर आराम मिलेगा, इरिटेशन कम होगा, पेन कम होगा और आप जल्दी से रिकवर कर पाएंगे।
जो नेक्स्ट चीज आप कर सकते हो वो है कि प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करो इस टाइम पे. जो आपके टॉवल्स है खास करके जो आप लोग यूज करते हो ऑन डेली बेसिस टू वाइप योर फेस, अपना फेस साफ करने के लिए या फिर अपनी बॉडी क्लीन करने के लिए, उसको टाइम टू टाइम चेंज करते रहो, वॉश करते रहो, हाइजीन मेंटेन करो, तो जल्दी से जल्दी जो है ये कंजक्टिवाइटिस ट्रीट हो जाता है. इस ट्रीटमेंट के दौरान आपको ये ध्यान रखना है कि आप कंजक्टिवाइटिस किसी और को पास ना करें. तो कुछ चीजें जो आपको करनी चाहिए वो है, कोशिश करिए कि आप अपना आईज कम से कम टच करें. सेम बच्चों के लिए भी एप्लीकेबल है, बच्चे को समझाइए कि वो कम से कम अपना आईज टच करें. अगर वो अपने आईज टच कर रहे हैं तो उनको रेगुलरली आप हैंड वॉश कराइए. कुछ भी खाने से पहले, मुंह के तरफ हाथ ले जाने से पहले आप उनका हाथ जरूर वॉश करवाइए. इसके अलावा हाइजीन मेंटेन करिए, इन द सेंस जो भी टॉवल्स और ये सब आप नॉर्मल डेली यूज में यूज करते हैं उसको फ्रीक्वेंटली वॉश करिए और प्रॉपर क्लीनलीनेस मेंटेन करिए. एंड फाइनली आई कॉस्मेटिक्स जो है उसको अवॉइड करिए. तो ये बच्चों के ऊपर तो लागू नहीं होता है क्योंकि बच्चे आई कॉस्मेटिक्स यूज नहीं करते हैं, लेकिन एज एन एडल्ट अगर आपको कंजक्टिवाइटिस हुआ है तो आपको आई कॉस्मेटिक्स इस टाइम पे बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए. इवन लेंसेज अगर आप लगाते हो तो वो भी आपको अवॉइड करने चाहिए. अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि कंजक्टिवाइटिस के टाइम पे कैसे फूड आइटम्स हैं जो आपको खाने चाहिए और क्या फूड आइटम्स हैं जो आपको बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए. तो सबसे पहले आते हैं उन फूड आइटम्स पे जो आपको रेगुलर बेसिस पे लेने चाहिए. फर्स्ट आता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो है एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करते हैं आपके आईज के लिए. तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स तो नॉर्मली भी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि हमें ऑन रेगुलर बेसिस लेना चाहिए और बच्चों को भी देना चाहिए. नेक्स्ट चीज जो आपको लेना चाहिए वो है ऑरेंज कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जैसे कि कैरेट हो गया, पपाया हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, पम्पकिन हो गया. ये सब विटामिन रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है जो आपके आईज के लिए बहुत जरूरी होते हैं. इसके अलावा जो चीज आपको लेना चाहिए वो है विटामिन सी रिच जो भी फूड्स या फिर फ्रूट्स होते हैं वो जरूर लीजिए. जैसे कि ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, बेल पेपर हो गया, ये सारी चीजें विटामिन सी में रिच होती है और विटामिन सी जो है वो आपके इम्यूनिटी को बिल्ड करता है. तो कोई भी डिजीज के समय विटामिन सी का इंटेक आपका होना चाहिए, इम्यूनिटी बढ़ेगी और आपका बॉडी जो है वो अच्छे से किसी भी डिजीज को फाइट कर सकेगा. नेक्स्ट एग्स जरूर लीजिए. एग्स जो है उसमें प्रोटीन और जिंक होता है. ये एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह अगेन काम करते हैं क्योंकि किसी भी टाइप के इन्फेक्शन से हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं. नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, हाइड्रेटेड रखिए अपने बॉडी को. ज्यादा से ज्यादा पानी या फिर पानी जैसे फ्रूट्स जैसे कि कुकुम्बर आप ले सकते हो, आप वाटरमेलन ले सकते हो और खूब सारा पानी पियो. कोई भी पानी, जब आप पानी लेते हो तो वो बेसिकली आपके बॉडी के अंदर जो भी जर्म्स होता है उसको फ्लश आउट करने में हेल्प करता है. तो कभी भी जब आपको इन्फेक्शन हुआ है तब वाटर जो है वो बहुत जरूरी चीज हो जाती है आपके बॉडी के लिए. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज नट्स. नट्स जो है वो विटामिन ई में बहुत रिच होते हैं और आपके आईज को फ्री रेडिकल्स से प्रोटेक्ट करके रखते हैं. अब आते हैं कुछ ऐसे फूड की तरफ जो आपको अवॉइड करना चाहिए. बेसिकली कोई भी पैकेज्ड फूड, कोई भी कैंड फूड, कोई भी ऐसा फूड शुगरी कंटेंट जिसका ज्यादा होता है, गैसी कंटेंट ज्यादा होता है, शुगरी ड्रिंक्स, ये सारी चीजें आपके इम्यून सिस्टम को वीक करती है और आपके बॉडी जो है वो फिर किसी इन्फेक्शन से फाइट करने में उसको कोई हेल्प नहीं मिलेगी. इसके अलावा कैंड सूप या फिर जो फास्ट फूड है वो हाई इन सोडियम होते हैं जो कि आपके बॉडी को डिहाइड्रेट करते हैं. तो ये भी इस टाइम पे आपके आईज के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. तो इस तरह से इस वीडियो में हमने सारे पॉइंट्स कवर किए. आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगेगा और आपको हेल्प करेगा इस कंजक्टिवाइटिस के एरा से फाइट करने में. तो अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक बटन पे जरूर क्लिक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को और शेयर करिएगा हमारा वीडियो उन लोगों के साथ जिनके लिए हमारा वीडियो हेल्पफुल हो सकता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉकेट बेबीज. डॉकेट बेबी रॉक्स. बाय बाय.